सकता है आपने जब तक बोला, जब तक वीडियो बाहर गई तब तक चीजें ठीक भी हो गई घर में, क्योंकि एक सॉरी से सब ठीक हो जाता है। फिर पता चला कि ना अगर माँ बाप में से कोई एक नहीं होता तो लाइफ कैसी हो जाती है। मेरी मम्मी के लिए कोई कुछ भी बोलता ना नेगेटिव तो मैं रो देती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता किसी से कुछ भी सुनना। एकदम देसी लोग हैं यार हम, उनको तो अदाकारी बिल्कुल नहीं आती, तो उनको अभी क्या है ना एक भोलापन है। ओए लखनीत भाई क्या चल रहा है, सास बहू साजिश चल क्या रही है? एक्चुअली साजिश वर्ड तो मुझे लगता है कई बार ना वो ऑडियंस को कुछ लग जाता है। एक बार होता क्या है, हम ब्लॉग बनाते हैं, आई गेस बनता है वो 30 मिनट का है, फिर एडिट होता है उसमें से 10 मिनट का बाहर जाता है, तो उसमें क्या होता है हम एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में नहीं बता पाते। लाइक मैंने नहीं तो कुछ बोला, अब मैं पूरी बात ब्लॉग में बोलना भूल गया तो लोग उसको अपने परसेप्शन से ले सकते हैं, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। लेकिन हाँ सारी चीज़ ऐसा नहीं है, कई बार खटपट चलती रहती है फैमिली में, और मैं यही लोगों से हमेशा बोलता हूँ कि अगर हमारे बीच कुछ खटपट होती है तो लोगों को इसलिए दिख जाता है क्योंकि हम लोग जैसे होते हैं वैसे डाल देते हैं। मतलब मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता कि फॉर एग्जांपल मेरे पापा मेरे से अपसेट है अगर, तो मैं घर जाऊँ उनको एक्टिंग करने के लिए नहीं बोल सकता कि ओके ठीक है अब कैमरा ऑन है और एक्टिंग मूड में आ जाओ, आपको बिल्कुल नेचुरल रिएक्ट नहीं करना, आपको बहुत अच्छा अच्छा पॉजिटिव बोलना है, तो वो सब हमसे नहीं हो सकता ना। मेरे ख्याल से मेरे माँ वो सब कर सकते क्योंकि एकदम देसी लोग हैं यार हम, उनको तो अदाकारी बिल्कुल नहीं आती, तो उनको अभी क्या है ना एक भोलापन है, अभी जो होता है वो बोल देते हैं, उनको आइडिया नहीं है कि यार कैमरे का ये क्या बोलना है और सोशल मीडिया पे क्या बोलना है, तो आई थिंक वो एक नया एक लर्निंग है उनके लिए जो वो धीरे धीरे सीख रहे हैं। मतलब बेलन भी अगर बज रहे हैं तो कैमरे के आगे आ जाएगा। एक्चुअली बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है सब लोग, और ऐसा होता है मतलब कई बार ना कि मैं पापा को समझा दूँ कि पापा इट्स ओके, कई बार क्या होता है कि आपको कोई चीज़ का डिसअपॉइंटमेंट है, आपने हो सकता है कैमरे के आगे बोल दिया हो लेकिन वो हमेशा नहीं रहने वाला, हो सकता है आपने जब तक बोला जब तक वीडियो बाहर गई तब तक चीज़ें ठीक भी हो गई घर, क्योंकि एक सॉरी से सब ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बहुत बड़े कोई इशू हो गए हों घर में, छोटी मोटी नाराजगी जो हमेशा से चलती है और हर फैमिली में होती है, तो ऐसा तो कुछ नहीं कि नीतू के आने से जो है बेटा अपने माँ बाप से अलग हो गया, जो पूरा सोशल मीडिया में ड्रामा चल रहा है ये सब तो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन नीतू के आने से मुझे ऐसा लगता है कि मैं और ज्यादा करीब हो गया फैमिली के, क्योंकि नीतू से मिलने के बाद मेरे को फैमिली वाली इंपॉर्टेंस ज्यादा समझ में आई। पहले भी मैं ऐसे तो बाहर रहता था, ज्यादातर क्रिकेट खेलने की वजह से ज्यादातर घर से ही बाहर रहता था, लेकिन जब नीतू से मिला फिर नीतू की स्टोरी जानी, इसका अटैचमेंट देखा इसकी मम्मी के साथ, फिर पता चला कि ना अगर माँ बाप में से कोई एक नहीं होता तो लाइफ कैसी हो जाती है, उसके बाद ना मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना मतलब मुझे और ज़्यादा उनको अपनी तरफ से देना चाहिए, चाहे टाइम हो चाहे अफेक्शन हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि नीतू के आने के बाद से और चीज़ें ठीक हुई। नीतू भी कुछ टाइम पहले आपका एक ब्लॉग आया था जब नेगेटिव ट्रोलिंग की बात करी तो यू वर वेरी इमोशनल दैट आप रो भी बहुत रिगार्डिंग घर में फैमिली में कुछ कुछ चल रहा था, लोग कमेंट्स कर रहे थे उस पर कुछ रिएक्शन कुछ। एक्चुअली अगर कोई मुझे कमेंट कर रहा है मुझे नहीं फर्क पड़ता, अगर कोई मेरी मम्मी को लेके कुछ कह रहा है क्योंकि उनको नहीं पता, उनको स्टोरी नहीं पता कि मेरी मम्मी ने कैसे हमें पाला है बड़ा किया है। एक सिंगल लेडी अगर बच्चों को पाल रही है, चार बच्चे एक नहीं चार, वो बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। लोगों को लगता है इट्स वेरी ईजी बट वो नहीं होता। तो अगर मेरी मम्मी के लिए कोई कुछ भी बोलता है ना, और मुझे ऐसा लगता है भगवान भी अगर कुछ भी बोलेंगे तो मैं रो दूंगी। मैं मतलब मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना चाहिए क्या सोचना चाहिए, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता अगर मेरी मम्मी के लिए कोई कुछ भी बोलता है। एक माँ जो होती है ना वो बहुत ही आई थिंक क्या बोलूँ मुझे नहीं पता, बट मेरी मम्मी के लिए कोई कुछ भी बोलता ना नेगेटिव तो मैं रो देती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता किसी से कुछ भी सुनना। मेरे लिए कोई कुछ भी बोले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे पता है मेरी रियलिटी क्या है, मैं कहाँ से कहाँ आई हूँ, मैं कितनी मेहनत करती हूँ डेली, मैं कितना टाइम देती हूँ खुद को, मुझे नहीं पता। मगर मुझे पता है मैं अपनी मम्मी को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाती और मेरी मम्मी ने भी मुझे टाइम नहीं दिया, क्योंकि मेरी मम्मी ने बहुत हार्ड वर्क किया है हमें यहाँ तक लाने के लिए, हम चारों बहन भाइयों को। तो अगर उनके लिए कोई इतना सा भी बोलता है ना तो मेरे वो दिल को ना ऐसे फाड़ देता है मेरे दिल को, और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं स्टॉप प्लीज़ उनके लिए कुछ मत बोलो, मुझे गाली दे दो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेरी मम्मी के लिए कुछ मत बोलना। तो बस वो बहुत सारे नेगेटिव कॉमेंट्स आ रहे थे मम्मी को लेकर, 1% ज़्यादा नहीं, 99% मेरे अच्छे थे, बट कुछ आते हैं ना गंदे कॉमेंट्स, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि बस मैं उनके पास जाऊं और पूछूं कि कहाँ है मेरी मम्मी गलत, तुमने कहाँ देखा मेरी मम्मी को ऐसा करते वैसा बोलते हुए। तो बस माँ को अगर कोई भी है, मैं अपनी मम्मी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही कि मेरी मम्मी सिंगल थी और उन्होंने हमें पाला सिंगल है, किसी भी माँ को अगर आप कुछ बोल रहे हो तो प्लीज़ मत बोलो, आपको नहीं पता कि उन्होंने अपने बच्चों को कैसे पाला, तो प्लीज़
कोई भी माँ है ना दुनिया में, किसी को कुछ मत बोलो. अगर कोई कुछ कह भी रहा है ना, बस हाथ जोड़ लो, नीचे मुंह कर लो और चले जाओ वहाँ से. डिसरिस्पेक्ट मत करो, अगर रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो बस वहाँ से उठ के चले जाओ.